ब्रह्मा जी का सिर कट गया था, काल भैरव को भगवान शंकर ने प्रकट कर दिया था और काल भैरव ने जाकर ब्रह्मा जी को अपने हाथ की उंगली का नख तोड़कर उनका शीश काट दिया था काल भैरव। जब काल भैरव ने शीश काट दिया, शीश कट गया, भैरव काल भैरव का आदर सम्मान सत्कार सभी देवताओं ने किया। भैरव क्षेत्र का देवता होता है। भैरव चौसठ तरह के भैरव होते हैं। कितने तरह के? 64। चौसठ तरह के भैरव होते हैं और चौसठ तरह के भैरव, जितने भैरव होते हैं उतनी भैरवी होती है, क्योंकि शिव के साथ शक्ति जरूरी है, भैरव के साथ भैरवी जरूरी है, क्योंकि भैरव शंकर भगवान का एक अंश रूप है, क्योंकि शिव ने उसको प्रकट करा। हां, दुनिया के लोग भले भैरव जी को बदनाम करने में लगे, ये तो शुरू से चला रहा है। भैरव जी को कोई बीड़ी पिला देता है, कोई सिगरेट पिला देता है, कोई कह देता है कि भैरव बाबा को तो बीड़ी दे दो, भैरव बाबा को तो सिगरेट दे दो। ये ढोंग और प्रपंच मेरे शंकर की कथा में नहीं है। शिव का एक अंश है भैरव। काल भैरव जो प्रकट हुआ वो शंकर भगवान का एक अंश है। काल भैरव जो प्रकट हुए वो शिव का एक अंश रूप है और काल भैरव जब प्रकट हुए सारे देवताओं ने उनका आदर करा, इंद्र ने उनका सम्मान करा, इंद्र उनकी सेवा में लगे, वायु देव, गरुण देव, वरुण देव, जितने भी देवता हैं सब ने उनका आदर करा। अब आदर करते 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 माता लक्ष्मी जी ने भी काल भैरव को निमंत्रण दिया। जरा सुनिएगा, बहुत सुंदर कथा है पुष्कर राज की। इस कथा को अपनी जिंदगी में उतारना जरूर। काल भैरव का निमंत्रण माता लक्ष्मी जी ने दिया और माता लक्ष्मी जी ने काल भैरव को निमंत्रण दिया कि काल भैरव आप बैकुंठ में पधारो और बैकुंठ की भूमि को आप पधार कर आनंदित करिए। तो काल भैरव का काम क्या है? काल भैरव का कार्य क्या है? ये यहाँ राजस्थान की भूमि पर तो वैसे भी भैरू जी के मंदिर बहुत है, बोलो सही है कि गलत है? और पूरी दुनिया में जितनी भी, पूरी भारत की भूमि पर दुनिया के लोग कहीं पर भी लें, कहीं पर भी रहें, पर भैरू पूजने के लिए हमारे राजस्थान में आते जरूर हैं, भले वो कभी भी आए पर राजस्थान में आकर भैरू पूज कर जाते ही। भैरव का काम क्या है? शंकर भगवान ने क्या केवल एक ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक कार्य के लिए ब्रह्मा जी ने, भगवान शिव जी ने काल भैरव को प्रकट करा? केवल एक काम के लिए? नहीं, मेरा भोलेनाथ एक कार्य के लिए काल भैरव को कभी प्रकट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भोलेनाथ ने जब जब जो काम किया है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए किया है। इसलिए ब्रह्मा के सिर काटने के लिए, अकेले केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए भगवान काल भैरव को प्रकट नहीं कर सकते। तब काल भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरू जी के प्रकट होने का कारण क्या है? भैरव
प्रकट क्यों हुए हैं? तो शंकर भगवान जब काल भैरव जब नारायण के यहाँ बैकुंठ में गए और भगवान बैकुंठ में जब पहुँचे तो लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण से पूछा, प्रभु मेरे मन के संशय को मिटाइए, ये भैरव प्रकट क्यों हुए हैं? केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? क्या ये ब्रह्मा जी का सिर काटने के लिए प्रकट हुए? आखिर भैरव प्रकट क्यों हुए? केवल एक ब्रह्मा का सिर काटने के लिए? भगवान विष्णु ने कहा नहीं, केवल ब्रह्मा का सिर काटने के लिए काल भैरव नहीं प्रगटे। लक्ष्मी सुनो, आज मैं तुम्हें सुनाता हूं काल भैरव भगवान शंकर ने क्यों प्रकट करा। उसका कारण केवल एक है, जब देवाधिदेव महादेव अपने नेत्र बंद कर कर बैठ जाते हैं और समाधि में लीन हो जाते हैं, साधना में लीन हो जाते हैं, तब काल भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। भैरव का दायित्व बढ़ जाता है। और भैरव का क्या दायित्व बढ़ता है? तो सुनो लक्ष्मी, भैरव का दायित्व यह बढ़ जाता है कि जो शंकर के शिवालय में पहुंचता है, जो शंकर के शिवालय में पांव रखता है, जो शंकर के शिवालय में अंदर पहुंचकर शिवालय में अपना चरण रखते 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 देहली से जब अंदर जाता है और शिवालय में शंकर भगवान के शिवलिंग की आराधना करता है, जल चढ़ाता है, शमी पत्र चढ़ाता है, बेल पत्र चढ़ाता है, कमल पुष्प चढ़ाता है, भगवान की श्रृंगार कर कर चंदन अभीर गंध से जो पूजन करता है भगवान की, जब वो अंदर प्रवेश करता है तो भैरव का दायित्व ये हो जाता है कि उसके दुख को भैरव उसी समय पर भक्षण कर लेता है और उसको सुख देकर भेज देता है। ये भैरव का समझ लें कि जैसे अष्टमी तिथि या नौमी तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और नौमी तिथि ये दो तिथियां ऐसी हैं। मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया, 5 लाख 4 लाख 3 लाख 10 लाख 8 लाख 2 लाख 50 हजार 25 हजार 20 हजार 40 हजार, और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह कहकर फोन लगा लगा कर, भैया दे दे रहे, परेशानी है, दे दे रहे भैया हम तो परेशान हो गए, और हार गए नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या नौमी तिथि के दिन आप माँ जगज्जननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर कर देवी के नाम की 9 आहुतियां सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें, और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा ही। शादी नहीं हो रही है, बहुत समय से लगन देख रहे हो शादी नहीं हो रही, बहुत समय से परेशान हो गए कि विवाह नहीं हो रहा, हम तो टेंशन में पड़ गए, लड़की 28 साल 30 साल का लड़का हो गया, विवाह नहीं हो रहा, कुछ मत करो, अष्टमी तिथि आए तो अशोक सुंदरी वाली जो जगह है वहां पर हल्दी की 7 बिंदियां लगा दो, लड़का लड़की का हाथ उस बिंदी पर रखवा दो, उसका नाम गोत्र बोलो, उसी हल्दी में उसके हाथ पीला करवा दो, और पीपल के पेड़ पर उस हाथ के 5 छापे पड़वा दो, 3 महीने में विवाह पक्का हो जाता है महाराज, उसका इतना अशोक सुंदरी के उस हल्दी का इतना प्रमाण। तीन माह के अंतर्गत विवाह नक्की, इतना इतना प्रमाण है महाराज, भगवान शिव की आराधना का कोई साधारण फल है महाराज।